दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद है बढ़िया होगे। तो गाइस यार आज से हम एक नई गेम प्ले सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइस माइनक्राफ्ट की। तो आई होप तुम लोग को ये सीरीज पसंद आए। तो यार इस पे भी तगड़ा सपोर्ट दिखाना है, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक शेयर ज़रूर से कर देना। एंड गाइस थैंक यू फॉर 250 प्लस सब्सक्राइबर्स, ऐसे ही आगे सपोर्ट करते रहना। तो यार बिना टाइम पास किए चलते हैं। एंड ये हमसे वर्ल्ड का नाम पूछ रहा है, तो मैं ES वेब गेमर ही रखूँगा, क्योंकि जो हमारे चैनल का नाम है ना मैं वही रखूँगा, क्योंकि मुझे और तो कोई यार वर्ल्ड के नाम याद नहीं। मतलब गेम क्या रखूँ बताओ। तो अपना वर्ल्ड गाइस जनरेट हो रहा है, तो इसमें मेनली तो मेन काम है तो सबसे पहले घर बनाते हम लोग बनाएंगे। एंड इसमें गाइस हमें कहीं पे भी रिस्पॉन कर देगा, तो होप यही रखो कि एक ऐसी जगह रिस्पॉन करे जहाँ पे सब कुछ हो। तो देखते हैं, लेट्स गो। एंड हमें सबसे पहले ऊपर कहीं छोड़ दिया है इसने, एंड जहाँ पे मुझे पानी पानी बस पानी पानी ही दिख रहा है। तो चलते हैं तब फटाफट अपनी माइनक्राफ्ट की गाइस जर्नी स्टार्ट करते हैं। जब तुम लोगों को यार एक खुले में जब रिस्पॉन करता है तो बहुत बढ़िया लगता है लिटरली। एंड यार पानी में घर बनाया जाए क्या? नहीं बताओ, पानी में घर बनाऊं मैं, जैसा बोलो। लेकिन वहाँ मुझे तैर के फिर जाना पड़ेगा, हो सकता तो लाइफ कम हो जाए, क्योंकि यार पानी में सांस तो लेनी पड़ेगी ना। बात ये है अभी मुझे जो सबसे पहला काम करना है वो है लकड़ी काटना। लिटरली माइनक्राफ्ट में जो मेन काम है क्राफ्टिंग टेबल बनना के अपना बेड बनाना। अगर बेड बन जाता है तो, अगर तुम लोग घर ना बनाए हो तो बेड बना लो, ताकि यार अगर घर ना बनाए तो कहीं बेड डाल के सो जाओ सुबह हो तो आराम से, क्योंकि ज़ोंबीज और क्रीपर्स का आने का थोड़ा डर रहता है। तो फिलहाल अभी मुझे 2-3 मिल चुका है, तो एक और इकट्ठा करेंगे क्योंकि क्राफ्टिंग टेबल बन जाएगा इतने से। आई होप सो, लेट्स ट्राई इट आउट गाइस। यहाँ पुट करते हैं इसको, यहाँ पुट करते हैं इसको, यहाँ पुट करते हैं इसको। ओके शायद हमें एक और चाहिए, अभी रुको एक मिनट, एक यहाँ पर है ना, इसको भी मैं तोड़ लेता हूँ फटाफट। एंड अभी देखो यार माइनक्राफ्ट मुझे सारा काम एकदम फटाफट ही करना पड़ेगा लिटरली, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लेने वाला। आई होप सो ज़्यादा टाइम ना लूँ। देखो अभी एक मिनट, ये क्या है भाई, ओक वुड। तो मुझे मिल चुका है ओक वुड, तो मुझे यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा, इसको कर लेते हैं। एंड गाइस इससे बन चुका है क्राफ्टिंग टेबल। तो गाइस अपने पास तो अब आ चुका है एक क्राफ्टिंग टेबल, एंड अब मुझे चाहिए कुछ स्टिक्स। सबसे पहले मुझे और लकड़ियाँ काट लेनी चाहिए शायद, बिकॉज मुझे वुड्स की ज़रूरत पड़ेगी स्टिक्स बनाने के लिए। तो और काट लेते हैं लकड़ियाँ। आई थिंक यार मुझे सबसे पहले बेड बनाना पड़ेगा, तो बेड बनाने के लिए मुझे कम से कम 3 वुड एंड 3 वूल चाहिए, 3 वुड और 3 वूल, जिससे कि मैं एक बेड बना पाऊँगा। लेट्स फाइंड आउट। तो मैं इसको बस 4 ही इकट्ठा करूँगा, ज़्यादा नहीं, एंड थोड़ा सा अपने पास वुड हो जाएगा ना, बात ये है। तो लेट्स सी कि अपना वुड बन पाता है कि नहीं, एक मिनट। ओके तो मुझे ये मिला है ब्रिज वुड, आई होप इससे बन जाए अपना प्यारा ओक वुड। ओके रहने दो, चलो इसको इकट्ठा ही कर लेते हैं। तो अपने पास अभी सिर्फ 12 आ चुका है, वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी तो अपना सारा काम नहीं हुआ है, अभी मुझे स्टिक्स भी चाहिए। तो स्टिक्स बनाने के लिए भी क्राफ्टिंग टेबल, आ जाओ भाई क्राफ्टिंग टेबल, तुम्हारी तो ज़रूरत है क्राफ्टिंग टेबल। ओके तुम आ गए। एंड तुम्हें गैस मिल चुका है 16 स्टिक्स, तो अभी तो फ़िलहाल मैं इसे पुट कर लेता हूँ। एंड अब इन स्टिक्स से बनाते हैं सबसे पहले, ऐसे तीन स्टिक्स से कुछ नहीं बनेगा, सॉरी। तो मुझे एक मिल चुका है शवल, ओके चलो ठीक है, बाकी सबको मैं इकट्ठा कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो क्राफ्टिंग टेबल भाई तुम अभी कट जाओ थोड़ी देर, मुझे सबसे पहले अब बाकी सारा काम हम लोग बाद में करेंगे, अभी सबसे पहला काम करना है वो है बेड बनाना। बेड बनाने के लिए तुम्हें चाहिए 3 वूल एंड 3 वुड्स, तो वुड्स भी मुझे चाहिए होंगे बेड बनाने के लिए। तो चलते हैं तो फटाफट। एंड मुझे शीप चाहिए, क्योंकि शीप से तो वूल मिलेगा मुझे, ये सब पिग विग नहीं चाहिए। यहाँ पे पिग की तादाद कुछ ज़्यादा है लग रहा है, जानबूझ के करते हैं।
तो फटाफट मैं इसे काटता हूँ। आई नो थोड़ा शबल से नहीं कटेगा बट ठीक है, लेकिन जल्दी जल्दी कटेगा ना, बात ये है। तो मुझे एक मिल चुका है, एक अगर तुम लोग चार ये ले लो तो तुम्हें 12 वुड तो आराम से मिल जाएगा। एंड एक बेड बनाने के लिए तुम्हें चाहिए 3 वुड, एंड 3 वुड मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो मैंने ले लिया है गाइस, 4 ले लिया है, बाकी अब मैं कोई काम नहीं करूँगा, अब सिंपल बेड बनाना है ताकि अपने पास एक बेड रहे, ताकि जैसे रात हो तुरंत यार हम सो जाएं। तो हमारे पास मेनली एक चीज़ तो आ गई है जो कि ये गाइस वुड बन जाएगा, उसकी चिंता नहीं है। एंड घर यार सबसे ज़रूरी तो घर है, अगर तुम्हारे पास घर ना हो एंड जल्दी रात हो जाए, इसमें गाइस यार इसमें जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। तो अगर मेरे पास घर ना हो मतलब कि इस गेम में, तो मुझे सबसे पहले बेड बना लेना चाहिए ताकि मैं कहीं भी डाल के भी सो जाऊँ। तो उसके लिए मुझे चाहिए शीप, एंड यहाँ कहीं भी शीप का नाम होता है निशान भी नहीं यार। हैन और पिक ज़्यादा हैं गाइस यहाँ पे, मुझे सिर्फ 3 शीप चाहिए यार, 3 शीप यार कहीं भाई मिल जाओ प्लीज़। अमृत अमृत की तरह है भाई, उनके बूली से बन पाएगा। वाइट कलर की शीप से वाइट बेड, अब बेड का कलर नहीं देखना है यहाँ पे मुझे, मुझे बस बेड चाहिए अब कोई भी कलर का हो, और मुझे शीप चाहिए भाई मिल जाओ यार। रात शाम होने वाली है, मुझे तभी तक कुछ भी नहीं मिला है, ना शीप ना कुछ घर बनाने के लिए कुछ मिला है। ओके यार शीप का नाम लिया, एंड शीप हाजिर, एंड शायद ये 2 शीप है भाई, थैंक यू यार। अब हमें सिर्फ 1 शीप और चाहिए, रो मत कटो। ओके तो मैं 1 वूल मिल गया, एंड अपना दूसरा शिकार ये रहा। भाई भागो मत यार, ज़रूरत हो तुम माइनक्राफ्ट में, माइनक्राफ्ट में ज़रूरत है, तुम्हें कुर्बान होना पड़ेगा। तो मैं गाइस 2 मिल चुका है, एंड मेरे पास 4 मीट है मतलब खाने के लिए। कहाँ जाना चाहिए गाइस हमें, एंड एक पिग है, तो पिग का क्या काम करूँगा यार। तो मुझे 2 मिल चुका है गाइस, बस 1 और चाहिए ताकि मैं एक बेड बना सकूँ। बट अभी मुझे आगे जाना पड़ेगा, एंड आगे जाने का रास्ता आई थिंक सो यार रुको, पहले ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ के डिसाइड करते हैं कहाँ जाना चाहिए हमें। जहाँ शीप दिखे वहीं चलो, आई थिंक वहाँ शीप है क्या, आई थिंक नहीं वहाँ शीप। ओके यार शीप तो नहीं है यहाँ पे, आई थिंक हमें इसी ओर आगे बढ़ना चाहिए। एंड ये पिक का बच्चा पता नहीं क्यों आ रहा है यार, बस मुझे बस 1 चाहिए गाइस यार, मतलब कि 1 शीप और चाहिए, 2 तो एक साथ मिल गई। एक मिनट, अब यही एकदम अच्छा नहीं लगता मुझे फालतू चीज़ें। एक मिनट, एंड यहाँ पे घोड़े, भाई घोड़े नहीं चाहिए मुझे, घोड़ों तुम जाओ यार यहाँ से प्लीज़ यार। वो घोड़े का बच्चा भी है, वाह। तो चलते हैं फटाफट शीप की तलाश में, मैं पता नहीं यार मैं पीछे भी एक बार मुड़ के देखता रहूँगा कि पता चले कहीं पीछे से शीप प्रकट ना हो जाए, एंड मैं मिस कर जाऊँ। मिस नहीं करना यार किसी भी चीज़ को माइनक्राफ्ट में, डोंट मिस एनीथिंग। एंड मिल गई यार शीप, आई होप सो। कूदो, ओके गाइस हम कूद चुके हैं, यहाँ 2 शीप है तो चलो दोनों को काटते हैं। भाई कट जाओ, तुम्हारा कुर्बान होना बहुत ज़रूरी है, तुम्हारे इस माइनक्राफ्ट को ज़रूरत है। हमें गाइस 3 मिल चुका है, एंड हमें 5 मीट भी मिल चुके हैं, वेरी गुड, खाने का जुगाड़ हो चुका है एंड हमें मिल चुका है। तो अभी फटाफट बिना टाइम पास के मैं क्या कर रहा हूँ यार, फालतू चीज़ें में टाइम वेस्ट करने में माहिर हूँ ना। ओके लेट्स गो, सबसे पहले एक वुड बनाना पड़ेगा मुझे, मुझे 12 वुड मिल चुके हैं, तो अभी मुझे यहाँ पे शायद 3 रखने पड़ेंगे जहाँ तक मुझे याद है। एंड यहाँ पे 1 गाइस, 2 एंड गाइस 3, एक मिनट रुको रुको, हाँ ये बन गया। तो गाइस ये बन चुका है मेरा बेड, बाकी सबको मैं कर लेता हूँ फटाफट से कलेक्ट, एंड मेरा बेड है। तो अब रात होगी तो मैं कहीं भी लगा के सो जाऊँगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मुझे खाना नहीं ढूँढना। ओके एक मिनट, ये कौन है यार, ओके जो भी है मुझे उससे क्या मतलब, छेड़छाड़ यहाँ के जानवरों के साथ मत करना यार। आई थिंक ये डॉग है, क्या मैं इसको मीट दे सकता हूँ, डू यू वांट मीट ब्रो, मीट लोगे, ओके भाग रहा है ये। ओ भाई सब डेंजर हो गया यार, ये क्या करता हूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता ये मैं क्या कैसा आदमी हूँ।
बेचारा वो आराम से कर रहा, सो रहा था अपना, मतलब कि अब स्ट्रेंजर मोड ऑन कर लिया वो गाइस अपना। मुझे यहाँ से अब भागना पड़ेगा, तो थैंक यू शीप, अब नहीं मारूंगा तुम्हें, चिंता मत करो, मेरे पास वूल की अब कमी नहीं है, मतलब बेड की कमी नहीं है, बेड एक मिनट क्या कर रहा हूँ भाई मैं। ओके तो अब गाइस मुझे देखो यार शाम हो रही है यहाँ पे धीरे धीरे, तो मेरे पास बेड तो हो गया लेकिन अब मुझे घर, मतलब कि घर बनाना पड़ेगा, तो धीरे धीरे शाम हो रही है, तो आई थिंक हमें आज की रात अब यहीं गुजारनी चाहिए। बस वो डॉग ना आ रहा हो, चलो ठीक है नहीं आ रहा, थैंक यू डॉग, आई नो योर फीलिंग्स। तो मैं यहीं रुकने वाला हूँ एंड लगा लेते हैं अपना बेड। तो रिस्पॉन पॉइंट सेट, यू कैन ओनली स्लीप एट नाइट, तो हम लोग लगातार क्लिक करते रहेंगे ताकि कोई ज़ोंबी वोंबी ना आए। ठीक है हम लोग लगातार क्लिक करेंगे लगातार, ताकि जैसे रात हो तुरंत। ओके गाइस हो चुका है एंड हम सो रहे हैं। ओके वेरी गुड, तो गाइस सुबह हो चुकी है, तो मैं ज़रा फटाफट अपना बेड वापस ले लेता हूँ। तो आई थिंक हमें थोड़ी सी वीडियो कंटिन्यू करनी चाहिए जब तक मैं घर ना बना लूँ, तो थोड़ा सा ही घर बनाऊँगा, ज़्यादा नहीं। घर बनाने के लिए चाहिए हमें वुड्स, एंड वुड्स मिलेगी हमें लकड़ी से, एंड बाकी मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे एक मिनट, मेरा बेड कहाँ गया, मेरा बेड मेरे हाथ में ही है, वेयर इज़ माई बेड मैन, मेरा बेड यहाँ क्या कर रहा है ये अजीब भाई, मेरे प्यारे भचे प्रा। चलो ठीक है चलते हैं तब फटाफट घर बनाने, एंड घर बनाने के लिए मुझे चाहिए गाइस एक बढ़िया सा लैंड एंड थोड़े से वुड्स एंड गेट, एंड मतलब कि देखो शुरुआत में थोड़ा सा छोटा घर बनाऊंगा, बाकी अगर तुम लोगों को माइनक्राफ्ट की सीरीज पसंद आएगी तो मैं कासिल बनाऊंगा। कासिल बनाना कुछ आसान बात नहीं है, बोलने में सबकी चली जाती है, लेकिन अब मैं एक मिनट, मैंने क्या कर दिया, कुछ भी करता रहता हूँ भाई मैं, क्या है यार। चलो अपना एक रात का तो गुजारा हो गया, लेकिन अभी मुझे भूख भी लगी है, मतलब रियल वाली नहीं माइनक्राफ्ट वाली भूख लगी है, तो यहाँ बहुत सारे गाय भैंस बकरी सब हैं। मुझे वो जगह बहुत बढ़िया लग रही है घर बनाने के लिए, लेकिन यार ये मैं यहाँ पे विलेज ढूंढ रहा हूँ, विलेज, मैं अपने सारे सामान पता नहीं कहाँ कहाँ छोड़ कर आ रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता, तो इसे फटाफट ज़रा मैं काट लेता हूँ। एंड एक चीज़ देखनी है, मैंने क्राफ्टिंग टेबल उठाया था कि नहीं गाइस, ओके क्राफ्टिंग टेबल मैं रख लेता हूँ यहाँ पे, एंड मैं चलूँगा खाली हाथ ताकि कोई चीज़ इधर से उधर ना होने पाए। तब चलते हैं किसी विलेज की तलाश में, फ़िलहाल जब रात होगी तो मैं देख लूँगा। एंड एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं इसको ज़रा डिपॉज़िट कर देता हूँ यहाँ पे, डिपॉज़िट रख देता हूँ, एंड खाली हाथ चलने से बात जानते क्या है कि फालतू में कोई चीज़ रख ना जाए या कोई चीज़ छूट ना जाए तो दिक्कत हो जाएगी, और मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल जो मेन मेन चीज़ है वो सब भी है, तो अब थोड़ा मैंने अपनी स्पीड बढ़ा ली है, मैं किसी विलेज के तलाश में हूँ। आई नो मैं थोड़ा सा ज़्यादा, मेरे पास वुड है, मेरे पास घर बनाने के लिए तुम्हें वुड ही चाहिए मेनली, 13 वुड है तो मैं छोटा ऐसे बना पाऊँगा, इसे मुझे कम से कम नहीं तो 50 वुड्स इकट्ठा करने। भाई क्या क्या मतलब, एक शीप के सामने मेरी बेइज्जती करा रहा है डर्ट। आई थिंक मुझे कोई विलेज विलेज नहीं मिलने वाला, मुझे लकड़ी काट के जीना पड़ेगा। एंड एक जंगल आ गया यार, लिटरली मुझे खुले में घूमने बड़ा पसंद है, जंगल वंगल ना आए, एंड आ तो चुका ही है, एंड मुझे यहाँ आसपास कोई भी विलेज नहीं दिख रहा गाइस, तो लेट्स गो लकड़ी काटने, एंड अगर रात होगी तो तुम्हें पता ही है मैं बेड लगाऊंगा सो जाऊंगा, बस ये तो काम ही है फिलहाल, अभी भूख तो ठीक ही ठाक है लेकिन यहाँ पे। एंड यार मैं देखो पानी में ज़्यादा कुछ गिरना नहीं चाहता भाई, इतने मुश्किल से तो एक रात कटी है बिना मरे, देखता हूँ अभी क्या क्या कर सकता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, सॉरी फॉर दैट, बट घर बनाना तो कहते ज़रूरी है ना, इसीलिए मैं कर रहा हूँ ये। एंड कोई विलेज भी नहीं दिख रहा भाई, विलेज मिलना कोई इतनी आसान बात नहीं है, बट तुक्का भी नहीं लग रहा मेरा, मैं ऐसे ही गाइस आगे बढ़ता जा रहा हूँ। आगे एक शीप है,
ओके 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 चलते हैं फटाफट। एक मिनट में कहाँ कहाँ कूद रहा हूँ भाई मेरे प्यारे डर्ट। आई थिंक गाइस विलेज की तलाश में हम आए तो थे, लेकिन आई थिंक हमें अब अपना खुद का घर बनाना चाहिए। एंड मैं जाऊँगा पहाड़ों पे घर बनाने, पहाड़ों पे बड़ा सही रहता है यार, वो भी डर्ट के पहाड़ों पे। क्योंकि यार देखो डर्ट काटना आसान होता है, यानी कि उखाड़ना काटना जो भी बोलो। अब मैं यहाँ से कुछ डिज़ाइन बनाता हूँ, एंड यहाँ पे बहुत सारी हैंस वेंस मतलब सब है, तो खाने का जुगाड़ तो आई, अपना बेड भी यहीं पर है, तो अब मैं यहीं पे घर बनाऊँगा। फाइनल डिसीजन। एंड गाइस ये होने वाली है अपनी सीढ़ी दिस टाइप, यहीं से मैं ऐसे कूदूंगा जाऊँगा कि यहाँ से बनाना स्टार्ट किया जाए। ओके कोई बीच सेंटर मेरे पास ये है ना, इसको ऐसे प्लेस करो। एक मिनट मेरे पास डर्ट है, तो एक मिनट इसको काटो। मेरे पास डर्ट है ओके, या कोई छोटी सीढ़ी बनाऊं जैसे कि लाइक दिस, ऐसे कूदो फिर यहाँ पे डर्ट। एक मिनट रुको, हाँ ये देखो दिस, तो ये देखो दिस एंड ये, इसको फटाफट काट देते हैं, इसको बीच में रखूँगा, बाकी सबको मैं काट दूँगा। एक मिनट गाइस, अब ज़रा देखते हैं नीचे चल के कि कैसा लग रहा है। वैसा कि जैसा मैं सोच रहा हूँ, अगर ये वैसा बन गया तो बहुत बढ़िया बात है। ओके एक मिनट, पहले मैं ज़रा सारी डर्ट्स को इकट्ठा भी कर लूँ ना, बात ये है। एक अभी तो छोटा सा ही घर बनाना है, तो ज़्यादा मशक्क़त नहीं करना चाहता, एंड इतने सारे डर्ट्स फालतू वेस्ट हो गए, तो उन सबको तरह मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। एक मिनट इसको मैं काट लेता हूँ, एंड अब मैं हाथ ही रखूँगा यार, ठीक ही रहेगा। इसको भी काट लेते हैं फटाफट, एंड चलते हैं तब ऐसे 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 कूदते कूदते। बाकी गए ऐसे कूदो ऐसे कूदो, साइड से भी काट देते हैं। तो मैं ऐसे आऊँगा, ये आई होप तुम लोग समझ रहे हो यार कि मैं बनाना क्या चाहता हूँ। ये देखो ऐसे ऐसे, मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकता आज, थोड़ा सा ही काम करेंगे, ज़्यादा नहीं, बाकी सब देख लूँगा मैं बाद में। अभी मुझे देखो ऊपर जाना है, ऊपर जाने के बाद कोई ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे मैं अपना एक घर बना सकूँ, तो मेनली आई थिंक वो यही वाली जगह होगी। उसके लिए मुझे इन सबको साफ़ करना पड़ेगा, इन सारे डर्ट्स को, ताकि मैं अपना घर बना सकूँ। एंड आई थिंक अब रात होने वाली है, तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास बेड तो आई, इसलिए मैंने पहले से ही बेड बना लिया था। इन सबको मैं बाद में इकट्ठा कर लूँगा। ओके तुम लोग शायद समझ गए हो यार, मैं बनाना से मतलब बनाना क्या चाहता हूँ, और अगर नहीं समझे हो तो देखो तब पूरी वीडियो। बाकी मैं कुछ मतलब अभी तो छोटा ही घर बनेगा यार, अभी ज़्यादा बड़ा घर देखो, जैसे मैं सीढ़ी से उतरा नीचे, ये मैं गया, ये एक मिनट, बाकी सब देखो पहले दो बड़ी सीढ़ी, एक तरीके से बोल सकते हो ये मेरा मेन एंट्रेंस है, तो यहाँ एक, बाकी सबको मैं काट दूंगा इसको, मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सब की थोड़ी सफाई कर दूंगा। बाकी यहाँ पर आओ एंड अपना घर बनाओ। तो गाइस मैं अपना घर अब यहीं बनाने वाला हूँ, उसके लिए मुझे ये सब झाड़ वाड़ सब हटाने पड़ेंगे, तो हटा देते हैं फटाफट। एंड लकड़ियाँ भी हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा काम भी बन जाएगा अपना। तो थोड़ा बहुत हटाते हैं, ज़्यादा नहीं, वीडियो थोड़ी ज़्यादा देर की हो गई होगी, तो यार सॉरी फॉर देट, बट अभी नया नया हूँ, थोड़ा सीख ही रहा हूँ ना, तो ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो यहाँ एक पेड़ रहेगा, मैं यहीं पे घर बनाने की तो सोच रहा हूँ गाइस,
बट कहाँ से बनाया जाए, मेनली सवाल कि कहाँ से बनाया जाए। ओके, तो फ़िलहाल अभी ज़्यादा कुछ सोचने का टाइम नहीं है, तो मैं इतनी अदर सीढ़ियाँ चढ़ के आऊँगा ऊपर, यहाँ पे रखूँगा अपना बेड, तो इसी को मैं यहीं रखने वाला हूँ। बाकी सभी जो फालतू के डर्ट्स हैं वो सब ज़रा मैं काट दूँ, मतलब कि जो मेरे घर में किसी काम नहीं आएंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सबको साफ़ कर दूँगा, एक बढ़िया सा घर बनाऊँगा। एंड तो मैंने सारे डर्ट्स हटा दिए हैं गाइस, एंड यहाँ पे अभी तो सिर्फ मेरा एक बेड ही है। एंड थोड़ा नीचे चल के देखते हैं कैसा लग रहा है अभी। अभी तो कुछ घंटा लग रहा होगा, अभी कुछ नहीं लग रहा, बट ठीक है, बाद में मैं अपना सारा काम कर दूँगा। ऐसे मुझे इसे भी हटाना चाहिए, एंड सिर्फ इसे ही रखना चाहिए, मतलब कि बाकी ये सब कुछ उतना ज़्यादा काम का नहीं लग रहा मुझे। मेरे पास इतने सारे डर्ट्स भी हो गए ना, बात ये। ओके, वेरी गुड। एंड अब इसे थोड़ा सा काट देते हैं, एंड रात हो चुकी है गाइस, तो आई थिंक हमें अब सोने चलना चाहिए। मैं लगातार दबाता रहूँगा इस पर ताकि जब भी रात हो तो हम लोग फटाफट सो जाएं, ताकि यार ज़ोंबी या क्रीपर जो भी है वो सब ना आए। तभी तो ये दिखा रहा है कि यू कैन ओनली स्लीप एट नाइट, तो शायद रात हो चुकी है। भाई साहब अब मुझे सुलाओ जल्दी, अब कितनी रात का भाई, नाइट हो चुकी है। ओके चलो, तो मैं यार अपने पहले ही पार्ट में दो बार सो के उठ चुका हूँ, एंड आई थिंक हमें आज की वीडियो इतनी रखनी चाहिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना घर बना लूँगा। चलो चिंता मत करो उसकी तुम लोग, एंड बाकी आई होप तुम लोग को पसंद आई हो वीडियो, क्योंकि ये देखो मैं क्या सोच रहा हूँ ना, इन सबको हटा के ये मेरी थोड़ी सीढ़ी बन जाएगी जहाँ जहाँ मैं कूदता जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एंड इसको इस सब मैं हटा दूँगा, एंड मेनली मैं जब यहाँ जाऊँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा बेड मिले। तो आई थिंक गाइस यार हमें आज की वीडियो में बस इतना रखना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा एंटरटेनमेंट वाली वीडियो नहीं थी, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने एक जगह ढूंढ ली जहाँ पे मैं अपना घर बना सकूँ, तो आई होप तुम लोग को पसंद आए। तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड गाइस अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।